नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप कभी ना कभी सोलर सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ा होगा और उसकी फोटो कुछ इस प्रकार से देखी भी होंगी। लेकिन अगर हम कहें ये फोटो गलत है तो भैया हमने तो बचपन यही पढ़ा है कि सोलर सिस्टम कुछ हमारा इस प्रकार से दिखाई देता है और आप कह रहे हैं कि ये गलत है, तो ऐसा क्यों गलत है? कहीं आप तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें सही समझाइए कि ये गलत क्यों है। हाँ छोटे, ये गलत है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कुछ दूसरी प्रकार से दिखता है और जो पढ़ाया गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ाया गया है और कुछ बातें वो नहीं पढ़ाई गई है जो कि आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। जैसे हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि जो हमारा पृथ्वी है और जो अन्य ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो कभी न कभी ये सवाल मन में उठा ही होगा कि क्या सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है? तो हाँ, सूर्य भी चक्कर लगाता है। इसी की वजह से ये जो पहले हमारा सोलर सिस्टम जो का फोटो था वो गलत प्रूफ हुआ है। वो कैसे चली जानते हैं दोस्तों? आपको पता ही होगा कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और जो मिल्की वे गैलेक्सी का मिडिल पॉइंट है उसी के चारों तरफ हमारा सूर्य जो है चक्कर लगाता है। जैसे ये पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, वैसे सूर्य ही हमारे पूरे सोलर प्लैनेट के परिवार को लेकर मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। दोस्तों अगर हम काफी दूर से पृथ्वी को देखेंगे तो वो एक अंतरिक्ष यान की तरह हमें कहीं दूर लेकर चला जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या यह अंतरिक्ष यान है? दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ 800,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चक्कर लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में उसे 25 करोड़ साल लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं जो हमारा पृथ्वी है वो 365 दिन में पूरा करता है और ये जो सूर्य है 25 करोड़ वर्ष लग जाता है उसे एक चक्कर पूरा करने में। अब आप यहाँ से सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा ये मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, और जहाँ पर ये मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है ये बीच में ही स्थित है, यानी कि ज्यादा ना छोर पर और ज्यादा ना मिडिल पर, बीच में ही स्थित है। और इसी की वजह से वह कुछ स्क्रू की तरह आगे बढ़ती हुई दिखाई देता है और हमारा जो सोलर सिस्टम जो दिखता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। और जो हमें किताबों में पढ़ाया गया है तो वो आपको पता ही होगा कुछ इस प्रकार से पढ़ाया गया है। तो हमारा सोलर सिस्टम कुछ स्क्रू की तरह दिखाई देता है, जैसे इस वीडियो में दिख रहा है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और बचपन में हमें पढ़ाया गया कि कुछ ऐसे सोलर सिस्टम दिखाई देता है। तो आशा करते हैं यह नॉलेजवर वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।